और सभी लोगों का शुक्रिया जिसके वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। और शायद मैं इसके लिए और जो मैं बताने जाऊंगा उसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि इंस्पायर हो कर सकूं मैं किसी को और उसमें वो बेहतर कर सके। ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। ओह माय गॉड, सो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मतलब आपने गेम खत्म कर दिया। वो कहते हैं कि अभी गेम तो खत्म नहीं हुआ है, मैंने 66th भी दे रखा है। अच्छा, और उसका मेंस भी दे रखा है और यूपीएससी देने का भी एक है, जो एक है सोच रहा हूँ यूपीएससी देने का। एक्चुअली जब मेरा ग्रेजुएशन हुआ जामिया मिल्लिया इस्लामिया से, मैंने बीटेक अच्छा। किया है कंप्यूटर साइंस में। ओके। और 2016 पास आउट हूँ मैं। उसके बाद मुझे एक साल तक मुझे मतलब कुछ समझ नहीं आया और घर के एक प्रॉब्लम्स, शादी और जो भाई की थी उसमें रह गया। 2018 से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी, 2018 के बाद मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी और मैंने 2019 का यूपीएससी दिया। अनफॉर्चुनेटली उसका प्रीलिम्स नहीं निकल पाया मेरा, और उसके बाद से मैंने फिर जो 65th का जो है वो मैंने प्रीलिम्स के लिए मतलब अप्लाई करा और उसके बाद मैंने प्रीलिम्स दिया और मुझे एक्चुअली मुझे लग नहीं रहा था। और जैसे जैसे बढ़ता गया, समय आता गया, वक्त के साथ साथ चीजें निकलती गई और मुझे मुझे सिलेक्शन मिल गई। सो मतलब कि बीटेक आपने जामिया से किया, राइट? जी। बीटेक करने के बाद आपने डिसीजन लिया कि आपको बीपीएससी करना है या फिर पहले से प्लान था? नहीं, मैंने बीटेक करने के बाद मैंने यूपीएससी के प्रिपरेशन के लिए स्टार्ट किया। अच्छा। उसके बाद ही स्टार्ट किया मैंने। अगर देखा जाए तो मैं एक साल लेट हो गया। अच्छा, एक साल लेट हो गया। तो मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि बीटेक करके आप और इंजीनियरिंग वाली सर्विसेज भी हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, तो यूपीएससी में क्यों और सिविल सर्विसेज में क्यों आना था आपको, मतलब ये जानना चाह रहा हूँ। अगर देखा जाए तो इंडिविजुअल कैरेक्टर जो बिल्डअप होता है या इंडिविजुअलिज्म की बात करेंगे तो वो बाकी सर्विसेज में भी है। अच्छा। लेकिन यहाँ पे अगर ऐसा है कि सोशल जो सेक्टर है और इसका जो एरिया ऑफ स्कोप जो है वो बड़ा है, डाइवर्सिटी अच्छा। भी है और सही मायने में डिप्राइव्ड सेक्शंस के साथ काम करने का मौका मिलता है और एक जिम्मेदारी भी बनती है अगर आप जानते हैं, अगर आप जानकार हैं तो किसी के लिए हमराह बने। अच्छा, ठीक है, बहुत बढ़िया। सो फिर आपने सोचा कि आपको यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए और ऑब्वियसली स्टेट पीसीएस था ही और आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी निकाली और भी इतनी अच्छी रैंक आपको मिली, राइट? सो आप इस बार 66th में भी बैठ रहे हैं, राइट? और क्या आपने यूपीएससी का प्रीलिम्स भी दिया इस बार? यूपीएससी का प्रीलिम्स इस बार नहीं दे पाया मैं, क्योंकि एक सर है हमारे, उन्होंने अभी कहा कि एक बार में ही दो, क्योंकि मेरे जो अगर देखा जाए तो दो साल से जो स्टेट सिविल सर्विसेज के एग्जाम थे, स्टेट पीसीएस के एग्जाम थे, तो उसमें बहुत सारी चीजें जो नहीं होती हैं अगर देखा जाए तो, जैसे एथिक्स है वो नहीं होती, ऐसे राइटिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है, और देखा जाए तो फिर इकोनॉमिक का या साइंस एंड टेक्नोलॉजी एनवायरमेंट तक का कॉन्सेप्ट ज्यादा नहीं रहता, नहीं रहता। हाँ। जिस वजह से दो साल से मेरा वो छूट गया है, छूट चुका था। अच्छा। तो सर ने कहा कि अगर तुम बेहतर चाहते हो तो एक बार में, क्योंकि प्रीलिम्स निकल जाने के बाद मेंस में ना होने का दुख ज्यादा हो जाता है, तो ऐसा करो कि एक गो में होना चाहिए, जो भी होना चाहिए मुझे लगता है। सो देखिए, बहुत अच्छी बात सैफुर रहमान साहब कह रहे हैं कि मतलब अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हो तो आप मतलब ऐसी प्रिपरेशन रखें कि वन गो में प्रीलिम्स और मेंस आपके निकल जाए, इस तरह की तैयारी आपकी स्ट्रेटेजी हो, राइट? क्योंकि अगर आप प्रीलिम्स निकालते हैं और मेंस नहीं निकलता है तो कहीं ना कहीं एक मेंटल ब्लॉक और एक टेंशन तो होती है स्टूडेंट को, तो इस तरह के प्रॉब्लम होते हैं। अच्छा, इस बार जो प्रीलिम्स के क्वेश्चंस एग्जाम हुए हैं तो उसका क्वेश्चन आपने देखे हैं इस बार सैफुर रहमान साहब? मैंने कुछ क्वेश्चंस देखे हैं और ये थोड़ा पैटर्न चेंज किया है यूपीएससी वाले, पैटर्न चेंज हुआ है और कुछ सेक्शंस ऐसे आए हैं जो कभी भी यूपीएससी पूछा नहीं करती थी, जैसे स्पोर्ट्स सेक्शन हो गया या फिर कुछ फैक्ट्स फैक्चुअल ऐसे पूछे हैं जो कभी पूछा नहीं करती थी। इस बार जैसे हिस्ट्री से क्वेश्चन ज्यादा आ गए और जो इनका एक पैटर्न है, डायनेमिक ही रहता है यूपीएससी का पैटर्न, तो वो डायनेमिसिटी चेक करती है, तो मुझे लगता है यूपीएससी ऐसी ही है। तो आपको क्या लगता है सैफुर रहमान साहब की जो ट्रेंडिंग में बदलाव आया है यूपीएससी की, तो क्या आप उसको ध्यान में रखते हुए तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी के आने वाले दिन
मतलब जो आप बैठेंगे जी, एक्चुअली किसी भी एग्जामिनेशन में आपको सबसे पहले उसका पैटर्न देखना होता है। अगर आप पैटर्न क्रैक नहीं कर पाएंगे तो फिर एग्जामिनेशन में बहुत सी दिक्कतें आएंगी। अच्छा, अगर आप पैटर्न क्रैक कर लेते हैं, अगर आपको पता चल जाता है कि कहाँ पे क्या है, कहाँ पे कितनी मेहनत करनी है और किस जगह ज्यादा जोर देना है, तो बेसिकली ये भी एक मेंटल प्रेशर रहता है, बट आप पैटर्न क्रैक कर सकते हैं। आप पास्ट ईयर्स पेपर देखेंगे तो मे बी इस बार यूपीएससी ने पैटर्न चेंज किया, बट ऐसा नहीं है कि इसी बार से आपको चेंज करना, नहीं, 5 साल का देखना पड़ेगा आपको। अगर 5 साल का देखेंगे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, तो आपको एक पैटर्न पता चलेगा। ये आपने देखिए, वैसे स्टूडेंट जो स्पेशली बिगिनर्स हैं, जो सैफुर रहमान साहब कह रहे हैं, वो बहुत ही माने वाली चीज बताई उन्होंने, बहुत ही अच्छी बात बताई है, इसका आप ध्यान रख सकते हैं। अब जैसे चूंकि आपने बीपीएससी निकाल ली है सैफुर रहमान, अब आप यूपीएससी और बीपीएससी में भी अच्छे रैंक की तमन्ना रखते हैं, चूंकि आपके पास ऑलरेडी एक बैकअप है जो आपको मिल चुका है, तो एक आपको अंदर से एक कॉन्फिडेंस है और आपको लग रहा है कि हाँ, अब एक रिलैक्स मोड पे आप फुल की तैयारी कर सकते हैं, कुछ ऐसा है अभी? देखा जाए तो कहीं ना कहीं आप जब एक कंपटीशन निकालते हैं और वन गो में निकालते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, और कॉन्फिडेंस बूस्ट होने के साथ साथ क्या होता है कि आप चीजें ज्यादा समझने लगते हैं फिर। और जैसे मैंने कहा पैटर्न, मुझे लगता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का पैटर्न समझना, सिलेबस समझना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। फर्स्टली सबको करना चाहिए कि सिलेबस समझना चाहिए, फिर अपनी स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, क्योंकि ये एग्जामिनेशन आपको यूनिक मांगता है, और जब तक आप यूनिक नहीं दिखाएंगे, पैटर्न नहीं दिखाएंगे, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप सब में एक शामिल हो जाएंगे। तो सब में शामिल नहीं होना है और यूनिकनेस थोड़ा रखना है। अच्छा, मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि अगर आप यूपीएससी तैयारी कर रहे हैं, चूंकि आप बीपीएससी में आप कर चुके हैं, तो आप ज्वाइन करेंगे, आपको जो भी ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आप हो सकता है कि आप काम करना शुरू भी कर देंगे, साथ में आप यूपीएससी तैयारी करेंगे, ऐसा में लग रहा है। सो ऐसा मुमकिन हो सकेगा कि आप जॉब करते हुए, सर्विस करते हुए यूपीएससी की तैयारी करेंगे, तो उस टाइम वक्त मिल पाएगा आपको? कैसे करेंगे आप उस टाइम, आपके टाइम मैनेजमेंट कैसे रहेगी, आप किस तरह से करेंगे हैंडल? अगर जॉब के साथ है तो फिर टाइम मैनेजमेंट में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन टाइम मैनेज किया जा सकता है, किया जा सकता है। जी जी, क्या जा सकता है, क्योंकि आपने ऑलरेडी तैयारी की हुई है, तो आपको आधा तो पता ही है, अब आधी मेहनत और करनी है, उसको फाइन ट्यून करना है, जहां पे आपने मिस्टेक की उसको ठीक करना है, है ना? जहां जहां लग रहा है कि ये गैप्स थे, इस गैप्स को ठीक करेंगे तो आप ठीक हो सकते हैं, तो स्ट्रेटेजिकल वे में आप काम करना है, आप स्ट्रेटेजी बनानी है, क्योंकि आप ऑलरेडी तैयारी आपकी। अच्छा, ऑप्शनल पेपर क्या थे आपके बीपीएससी में सैफुर रहमान साहब? मेरा ऑप्शनल पेपर सोशियोलॉजी था। अच्छा जी, तो आप बीटेक थे, इंजीनियर थे, तो सोशियोलॉजी क्यों ले लिया आपने? ये क्वेश्चन है, इसके मतलब दो रीजंस हैं अगर देखा जाए तो। एक तो किसी भी ऑप्शनल सब्जेक्ट के दायरे में कंप्यूटर साइंस नहीं आता। अच्छा, जो मेरा ग्रेजुएशन है, और इसलिए मैंने फिर देखा, और ऑप्शनल को परखने का, ऑप्शनल सेलेक्ट करने का भी एक तरीका है, आप सिलेबस चेक करें, सिलेबस से और पास्ट ईयर क्वेश्चन देखें। आपको देखना है, बस पास्ट ईयर क्वेश्चन देखने हैं और सिलेबस देखना है, और आपको अगर फैमिलियरिटी लगती है, आपको एक कॉन्फिडेंस आता है कि आप ये कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना चाहिए। मुझे जैसे कि सोशियोलॉजी में मुझे समाज से जुड़े रहने की आदत है, और समाज में मैंने सारी चीजें वो देखी, और जब मैं क्वेश्चंस देखे, जब मैं सिलेबस देखा मैंने, तो मैंने देखा कि मैरिज है, किनशिप है, कास्ट सिस्टम है, स्ट्रेटिफिकेशन है, इवन थिंकर्स तो मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव है, फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव है, तो ये कहीं ना कहीं मुझे इसका आइडिया था। अच्छा, जो मैं एक समाज में देखता आता हूँ, तो मुझे लगा कि ये चीजें मेरे लिए आसान होगी थोड़ी। बहुत बढ़िया। सो मतलब आपको ज्यादा कोई दिक्कत नहीं हुई, आप आसानी से सोशियोलॉजी समझ गए और अच्छा परफॉर्म किया आपने, वो तो दिख ही रहा है। साथ में अगर हम जनरल स्टडीज की बात करें, तो उसकी तैयारी के लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी? जैसे जनरल स्टडीज है, तो उसके लिए जब मैं स्टार्ट करा था मैंने, तो पहले तो मैंने एनसीईआरटी पढ़ी थी, लेकिन मैं अब ये कहूंगा कि आज के डेट में रेफरेंस बुक जो है वो एनसीईआरटी का एक जिस्ट तैयार करके रखती है खुद। अच्छा। और बहुत सारी बुक्स का तैयार करके रखती है, तो बहुत ज्यादा अगर देखा जाए ज्योग्राफी में आप पढ़े, लेकिन हिस्ट्री है या पॉलिटी है, तो इसमें आप हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, अगर मॉडर्न के लिए मैं बताऊं तो, और एंशियंट मेडिवल के लिए आप ये कर सकते हैं,
जो 12th की एनसीईआरटी है, जो सतीश चंद्र की है मेडिवल, और आर एस शर्मा की आपको एनशियंट है। आर्ट एंड कल्चर के लिए आप जो एक आती है 11th की बुक जो आती है एनसीईआरटी की, वो सफिशियंट है। अच्छा। और पॉलिटी के लिए मुझे लगता है लक्ष्मीकांत से बेहतर कुछ नहीं है। लक्ष्मीकांत आप करें और आप छोड़ दें, बाकी चीजों को छोड़ दें। पॉलिटिकल साइंस में, पॉलिटी में तो लक्ष्मीकांत ही देखता हूं कि काफी एस्पिरेंट्स बोलते हैं लक्ष्मीकांत पढ़ो। और इकोनॉमी में मैंने जहां तक देखा कि इकोनॉमी में आप इकोनॉमिक सर्वे और बजट तो पढ़े ही पढ़े, लेकिन उसके साथ साथ मैंने मृणाल वीडियोस जो है मृणाल के लेक्चर्स है, उससे बेसिक मेरी चीजें ऐसा ही हो गई। और जो कि क्योंकि मुझे इकोनॉमिक्स में थोड़ी दिक्कत आती थी, इसलिए मैंने एनसीईआरटीज भी पढ़ी थोड़ी कि शायद वो क्लियर हो जाए मेरा। और ज्योग्राफी के लिए मैं कहूंगा एनसीईआरटीज बहुत अच्छी है, एनसीईआरटीज के अलावा कुछ ना करें। अच्छा। और बाकी जी एनसीईआरटीज के अलावा कुछ नहीं करना चाहिए। तो ये बात जो आप बता रहे हैं ये बीपीएससी के लिए बता रहे हैं, राइट? ये बीपीएससी यूपीएससी दोनों के लिए। अगर बीपीएससी के लिए मैं अगर बताऊं तो बीपीएससी के लिए इसमें बस एक एक्स्ट्रा चीज कर सकते हैं आप, एक बीपीएससी में जो बिहार स्पेशल आता है। अच्छा। और बिहार स्पेशल में आप देखा जाए तो 20 से 25 क्वेश्चन रहते हैं बिहार स्पेशल से, तो उसके लिए एक क्राउन बुक आती है और एक आती है इम्तियाज अहमद साहब की बुक आती है। अच्छा। और एक केबीसी नैनो की आती है बुक। अच्छा। पब्लिशर जो है इनमें से किसी एक रिसोर्स को उठाए, रिसोर्सेज बहुत कम रखे, अगर रिसोर्स एक रखेंगे जी लिमिटेड रिसोर्सेज रखें उससे मैक्सिमम आपको गेन होगा, क्योंकि एक रिसोर्सेज रखेंगे उससे बार बार पढ़ेंगे तो चीजें क्लियर होंगी। बहुत बढ़िया। और अगर मैं बीपीएससी की बात करूं तो बीपीएससी में आप स्मार्ट थोड़ा हो सकते हैं, एक्चुअली देखा जाए तो स्मार्ट सब जगह हो सकते हैं। यहाँ पे आप पहले पैटर्न जो है मैं बताता हूँ सेग्रीगेट करें कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। अच्छा। तो यहाँ जैसे हिस्ट्री से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, जनरल साइंस से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, उस पर फोकस ज्यादा करें। ये तो बहुत अच्छी टेक्निकल चीज आपने बता दी। काफी स्टूडेंट को इससे फायदा होगा कि मतलब इस तरह की चीजें आपने शेयर की है, बहुत अच्छी बात है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब रिजल्ट आया तो आपके घर में क्या इसका रिएक्शन था, मतलब आपको कैसा लगा? आप एक्सपेक्ट कर रहे थे इतनी परफॉर्मेंस आप दे पाएंगे बीपीएससी में? एक्चुअली जब जो ये मेरा पहला अटेम्प्ट था और मैं बहुत कुछ जान नहीं रहा था बीपीएससी के बारे में, तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि हो सकता है, लेकिन मैं बहुत श्योर नहीं था। मुझे तो इंटरव्यू कॉल का जब आया तो मैं मतलब था कि इंटरव्यू कॉल आ गई। फिर मैंने इंटरव्यू दिया तो मेरे दोस्तों ने बहुत करेज किया कि इंटरव्यू तुम्हारा तो अच्छा जाएगा, अच्छा ठीक बोल लेते हो। अच्छा। ऐसा कहा लोगों ने, तो इंटरव्यू में मुझे अल्हम्दुलिल्लाह स्टेट में जो सबसे ज्यादा मार्क्स आते हैं उनमें से मुझे मार्क्स मिले हैं। मुझे तो इंटरव्यू के बदौलत मुझे लगता है इंटरव्यू जब हुआ ना तो मुझे लगा कि हाँ अब आ सकता है कोई। अच्छा। आ जाएगा, मैं इन हो जाऊंगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। घर में मम्मी पापा क्या रिएक्शन था रिजल्ट जब आई थी? मम्मी पापा बहुत खुश थे, पापा मेरे पुलिस ऑफिसर रह चुके हैं। अच्छा। झारखंड में। अच्छा, तो अच्छा। पापा लोगों ने मुझ पर टाइम इन्वेस्ट किया था। अच्छा। और ये लोग खुश थे जब देखते हैं। मैं कहता हूँ बहुत लोग कहते हैं मोटिवेशन कहाँ से लाए, मैं कहता हूँ एक घर से मोटिवेशन ले सकते हैं। अच्छा। अरे आप कुछ बन जाएंगे तो आप अपने माँ बाप के जो चेहरे पे हंसी देखेंगे, चेहरे पे जो खुशी देखेंगे, और अपने भाई बहन रिश्तेदारों पे जो देखेंगे वो बहुत बेहतरीन होता है। ये बात आपने बहुत अच्छी बात कही। और जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं उनको काफी कुछ सीखने को मिला होगा इसी से। अच्छा, मैं अब एक चीज और जानना चाहता हूँ। स्टूडेंट लोग पूछते हैं कि सर ये बता दीजिए, आप पूछा कीजिए स्टूडेंट मतलब के वो मैगजीन्स कौन सी यूज करते हैं? अगर आप जैसे आप बता रहे हैं कि बिहार में जो क्वेश्चन का पैटर्न होता है बीपीएससी में हिस्ट्री से ज्यादा पूछी जाती है, जनरल से पूछी जाती है, तो इसके अलावा मैगजीन वगैरह भी शायद होती है बीपीएससी में जो यूजफुल होती है, वो आप रिकमेंड कैसे करेंगे कि कौन सी मैगजीन पढ़नी चाहिए सर? एक्चुअली मैं जब एक बिहार के लिए देखा जाए तो एक ईयरली मैगजीन आती है। अच्छा। तो आप उसको पढ़े जरूर, क्योंकि वो उन्होंने सेग्रीगेशन कर रखा होता है स्पोर्ट्स की कैटेगरी, अवार्ड्स की कैटेगरी, पर्सन इन न्यूज की कैटेगरी, तो उसको देखें। लेकिन आप विजन आईएएस अगर कोई मुझे लगता है कि अगर सिर्फ स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहा है तो विजन आईएएस में एक मिसलेनियस करके होता है, शॉर्ट न्यूज होता है। अच्छा। आप उसे जरूर पढ़ें। और बेहतर तरीका तो मुझे लगता है कि आप विजन पढ़े थोड़ा, और कोई मैगजीन उठा ले, उससे आपकी क्वालिटी होती है वो आपको मेंस में मदद करेगी, इंटरव्यू में मदद करेगी। बहुत बढ़िया बहुत अच्छी बात आपने कही।
अब आपसे मैं लास्ट में जाना चाह रहा हूँ सैफुर रहमान साहब, कि वैसे स्टूडेंट जो नए हैं जिन्होंने शुरुआत की है बीपीएससी की तैयारी करने के लिए, तो उनको स्टेप बाय स्टेप समझाइए कि कैसे कैसे कहाँ पे क्या ध्यान रखना और तैयारी को कैसे आगे बढ़ाना है स्टेप बाय स्टेप शॉर्ट में। अगर देखा जाए तो सबसे पहले मैं कहूंगा पैनिक कभी नहीं होना है और जिंदगी में कभी भी प्रेशर नहीं लेना है, क्योंकि क्योंकि ऊपर वाला जो भी है भगवान है, खुदा है, अल्लाह है या फिर जो भी है, वो आपके लिए मतलब ऐसा नहीं है कि आपके लिए अगर अलग है। याद कीजिए एंग्जाइटी नहीं आनी चाहिए, आप अगर प्रेशर नहीं लेंगे तो आप ज्यादा क्वेश्चन सही करके आएंगे, और फ्री माइंड से रहिए। मैं स्टेप बाय स्टेप बताना चाहूंगा मैं कि सबसे पहले अगर देखा जाए तो मेंस के लिए भी थोड़ा बहुत तैयार रहना चाहिए, और प्री के लिए मैं कहूंगा प्री के लिए जैसे आप स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं, अगर बीपीएससी के लिए अगर मैं कंसाइज कर दूं तो एंशियंट और मेडिवल से कोई भी छोटी से नोट्स भी उठाएंगे ना आप तो हो जाएगा। आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन रहता नहीं उतना। बिहार स्पेशल के लिए जैसे मैंने बता ही दिया, आप ज्योग्राफी में क्या करें, यहाँ की बिहार की ज्योग्राफी जो है थोड़ी रिवर्स है, डैम्स है, प्रोजेक्ट्स है, नेशनल पार्क है, प्लेसेस इन न्यूज है, और वर्ल्ड मैप जो है थोड़ा सा मैपिंग जो है वो आता है, ज्यादा नहीं आता कुछ। मिनरल्स आते हैं कि किस स्टेट में कितने मिनरल्स हैं। उसके बाद से अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि मिनरल्स के बाद अगर इसमें इकोनॉमिक में देखा जाए, इकोनॉमी में तो जिस्ट पढ़ लें, बिहार इकोनॉमिक सर्वे का जिस्ट पढ़ लें। अब जब जिस्ट पढ़ेंगे तो आपको बेहतर होगा, और उसके बाद से मिसलेनियस के लिए तो मैंने जैसे बताया कि कोई सा भी एक मैगजीन उठा लें, उसका आप मिसलेनियस पढ़ लें, और ईयरली मैगजीन जरूर पढ़ें, और न्यूज़पेपर तो पढ़ते रहना चाहिए थोड़ा बहुत, न्यूज़पेपर बहुत जरूरी है, वो आपके थॉट्स को क्लियर करेगा। सो बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी न्यूज़पेपर पढ़नी चाहिए? बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप पेपर पढ़ना चाहते हैं तो मुझे लगता है बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर बहुत ज्यादा नेसेसरी नहीं है, बट अगर आप खुद को डेवलप करना चाहते हैं, अपनी आर्टिकुलेशन को डेवलप करना चाहते हैं, करेक्ट, तो अगर अगर इंग्लिश मीडियम के हैं तो आप द हिंदू ही पढ़ें, तो हमारा अच्छा। आर्टिकुलेशन अच्छा हो जाता है इंसान का, कि आप आर्टिकुलेट कर पाते हैं, चीजों को पता कर पाते हैं, किस तरह से आंसर राइटिंग करनी है वो एडिटोरियल से पता चल जाता है अगर देखा जाए तो। बहुत बढ़िया। सो सैफुर रहमान साहब, मुझे लग रहा है कि आप बहुत अच्छा करने वाले हैं आने वाले दिन में, मुझे दिख रहा है चीज आप में एक तेज नजर आ रही है, और अल्लाह ताला आपको ताकत हिम्मत हौसला दे, और हम सबकी तो दुआएं हैं ही। मैं चाहता हूं कि आप आगे और तरक्की करें और आगे बढ़ें, और सभी का नाम रोशन करें, खासकर माँ बाप का जिन्होंने आपको पैदा किया है, जिन्होंने आपको परवरिश की है, और गांव समाज, और अगर बीपीएससी की बात करें तो बिहार स्टेट की सेवा करें, अपनी सर्विसेज दे के ये आप करेंगे। और मैं अपने चैनल की तरफ से आपको फिर से एक बार बधाई देना चाहता हूँ, फिर से एक बार कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि इसी तरह आप दोबारा हमारे चैनल पे आए जब आप और भी अच्छा करें अपनी लाइफ में। और बस इसी विशेष के साथ मैं इस इंटरव्यू को खत्म करता हूँ। उम्मीद है कि जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, सैफुर रहमान साहब आपने काफी कुछ बता दिया है, वैसी चीजें जिससे जो एज ए स्टूडेंट्स जो नए बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं बिगिनर्स, उनको काफी आपकी इन टिप्स से आपने जो सजेस्ट किया से काफी हेल्प होने वाली है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।